हेलो एवरीवन, अक्सर आपने ब्लैक टी के बारे में सुना होगा, मिल्क टी के बारे में सुना होगा, बट क्या आपने ब्लू टी के बारे में सुना है? नहीं? चलिए तो मैं आपको बताती हूँ आज ब्लू टी क्या होती है और किस चीज़ से बनती है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास अपराजिता की बेल है और इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो देखिए, आप समझ गए होंगे फ्लावर्स को देखकर कि ब्लू टी बनती किस चीज़ से है। तो देखिए, मैं इनको तोड़ लेती हूँ फ्लावर्स को। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू टी होती है ये इन फ्लावर्स से बनाई जाती है। ये फ्लावर्स अपराजिता के हैं, अपराजिता की बेल से तोड़कर लाई हूँ मैं। देखिए इनको, ये फ्लावर्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य में इतना लाभ करते हैं ये। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और इनमें मोटापे को कम करने के भी बेनिफिट मिलते हैं इसको, इसका सेवन करने से। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ब्लू टी के बारे में बनाना बताऊंगी और आपका आप इस चीज़ का सेवन ज़रूर कीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो आप इस चीज़ का सेवन ज़रूर कीजिए। क्या होता है अक्सर दोस्तों, हाँ, कि हम बेनिफिट्स तो लेना चाहते हैं बट हम प्लांट्स लगाना नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं होता कि प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्लांट्स, हर कोई प्लांट्स, किसी भी चीज़, कहीं का भी प्लांट हो, किसी भी तरह का भी प्लांट हो, उसमें औषधि गुण जरूर पाते हैं। उसकी फूल, पत्तियाँ, जड़, तना, हर तरीके से हर प्लांट बेनिफिट है हमारे लिए। तो दोस्तों, प्लांट लगाइए और अपने घर में ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल भी कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इसकी टी बनाना बताऊँगी। इन फूलों को पहले वॉश कर लीजिए और फिर गैस पर आप गिलास पानी रख सकते हैं उबलने के लिए। और जब ये उबल जाए, आपको देख रहे हैं मैंने गैस पर पानी रख दिया उबलने के लिए, और ये जब उबल जाए तो आप इन फूलों को इसमें डाल दीजिए। देखिए पानी उबलने लगा और इसमें मैं फ्लावर्स डाल दूंगी। और इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनके इनमें जो कलर्स आ रहे थे वो पानी में मिक्स हो चुके हैं और धीरे धीरे फ्लावर्स वाइट हो जाएंगे। देखें, आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो पाया, हो चुका है पानी का। देखिए दोस्तों, अक्सर हम प्रकृति से जुड़े नहीं रहना चाहते। कुछ होता है कि भाई ये, मतलब दोस्तों, हमें प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए। हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तभी तो प्रकृति हमको बेनिफिट्स देगी। जब हम ही खुद प्रकृति से नहीं जुड़ना चाहते तो प्रकृति हमारे लिए क्या करेगी? तो दोस्तों, अपने घर में प्लांट्स लगाइए और प्लांट्स का बेनिफिट्स लीजिए और हमारा वातावरण शुद्ध करने में भी अपना प्रकृति का साथ दीजिए, प्रकृति आपका साथ देगी। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। देखिए, अब मैं इसको एक गिलास में डाल लूँगी। देखिए दोस्तों, ये फ्लावर्स, इनका कलर निकल चुका है, वो पानी में आ चुका है। देखिए पानी किस तरह का हो चुका है, नीला। और इसमें आप एक चम्मच शहद मिलाइए। देखिए, मैं शहद ले रही हूँ और एक चम्मच इसमें मिला रही हूँ। आप अपने अनुसार क्वांटिटी अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और इसे मिक्स कीजिए और आप इस चीज़ का सेवन कीजिए। दोस्तों, आप इसका सेवन रेगुलर करेंगे तो आपको कुछ एक हफ्ते में ही, वन वीक में ही आपको असर दिखने लगेगा। दोस्तों, मैं ये चाहूँगी, ये आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रकृति से जुड़े रहे और प्रकृति के बेनिफिट्स लीजिए। अगर प्रकृति से आप जुड़े रहते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। खुद आप खुद को भी फील करेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी आप सभी से यही कामना करती हूँ भगवान से कि आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरा कुछ भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।